आईपीएल 2023 को लेकर बड़ा अपडेट। आज चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल्स के बीच काटे की टक्कर। आईपीएल सीजन 16 के 55वें मुकाबले में आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आमने सामने होगी। ये मैच जो है चिदंबरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वही चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला इस मैच में लिया है। टीम में स्वयं दुबे की जगह रायडू की वापसी हुई है, तो वही दिल्ली ने ललित यादव को प्लेइंग 11 में मौका दिया है। वही चेन्नई 13 पॉइंट्स के साथ दूसरे और दिल्ली जो है इस आईपीएल में अभी फिलहाल 8 पॉइंट्स के साथ टेबल पर 10वें नंबर पर है। आज का मैच बेहतरीन नेट रन से जीतने पर दिल्ली की टीम 10वें से 4थे नंबर पर पहुंच सकती है। वही चेन्नई जो है मैच जीतकर दूसरे स्थान पर अपनी स्थिति को मजबूत कर सकती है। वही आज के इस वीडियो में दोनों टीमों के हेड और ट्रिकोट टॉप प्लेयर और पिच रिपोर्ट बाय द कंडीशन और इसके अलावा पॉसिबल प्लेइंग 11 इंपैक्ट प्लेयर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई की। तो चेन्नई सुपर किंग्स इस वक्त 11 मैचों में 6 जीत और एक बेनतीजा मैच के बाद 13 अंकों के साथ पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर है। वह दिल्ली के खिलाफ टीम पहली बार इस सीजन में खेलेगी। अगर चेन्नई को उनके खिलाफ जीत अगर रात मिली तो टीम 15 पॉइंट के साथ प्ले ऑफ में जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन है उसके करीब यहाँ पर पहुंच जाएगी। वह दिल्ली के खिलाफ टीम के 4 जो मतलब विदेशी खिलाड़ी जो आज मैदान में उतरेंगे उनमें कॉनवे, मोइन अली और तक्षिणा और इसके अलावा पिटराना हो सकता। बात अब करते हैं दिल्ली की टीम की। तो दिल्ली कैपिटल इस वक्त 10 मैचों में 4 जीत और 6 हार के बाद 8 अंक लेकर पॉइंट टेबल पर आखिरी नंबर पर है। टीम ने लीग स्टेज की शुरुआती 5 मुकाबले हार के साथ शुरुआत यहां पर रोन की थी, लेकिन पिछले 5 मुकाबलों में जबरदस्त वापसी करते हुए 4 में जीत 10 की है। आज चेन्नई के खिलाफ बड़े अंतर से मैच जीत पर टीम जो है 10वें से 4थे नंबर पर पहुंच सकती है। चेन्नई के खिलाफ जो टीम के 4 विदेशी प्लेयर रहेंगे उसमें मिशेल मार्श, कप्तान डेविड वार्नर और फिलिप साल्ट और इसके अलावा एंड्रिक नोकिया हो सकते हैं। वही हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो आईपीएल में दोनों टीमें हेड टू हेड में अब तक यहाँ पर 27 मुकाबले दोनों के बीच हुए हैं। 17 में चेन्नई और महज 10 में यहाँ पर दिल्ली को जीत मिली है। वही चेपॉक स्टेडियम में दोनों के बीच को बोल यहाँ पर 8 मैच हुए, इसमें 2 में दिल्ली को जीत मिली और 6 में हार का सामना करना पड़ा है।